So in this video session, we will cover the types of function. जो exercise 1.2 से पहले हमारे पास जो concept use होंगे, उन concept के बारे में हम बात करेंगे. हम already exercise 1.1 और उससे related concept के बारे में बात कर चुके हैं. Types of relation, equivalence relation, कैसे उनको prove करना है और कैसे उनको डिस्प्रूव करना है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं. तो इस वीडियो में हम फंक्शंस क्या होता है उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कि हमारे क्लास 12th के सिलेबस में है उसको कवर करेंगे. तो क्लास 11 से आपको याद होगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन फंक्शंस जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं. मतलब रिलेशन कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो आपके पास फंक्शंस बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिलेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ. तो जब भी हम रिलेशन का एग्जांपल लेंगे इसका मतलब हमारे पास दो सेट हम इस तरीके से बनाएंगे, एक सेट से दूसरे सेट पे रिलेशन. और सपोज ये रिलेशन इस तरीके से वन का मैपिंग ए पर जा रहा है, टू का मैपिंग बी पर जा रहा है और थ्री का मैपिंग भी बी पर जा रहा है. और ये आपके पास एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है और इसलिए ये फंक्शन होता है. अब मैंने इसको स्पेशल टाइप का कहा है तो इसमें कौन सी स्पेशलिटी है, कौन कौन सी सर्टेन कंडीशंस रिलेशन के अलावा सेटिस्फाई कर रहा है वो हमको देखना है. तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है. पहला, उसके डोमेन के, ये रिलेशन का डोमेन, रिलेशन के डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी है. यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, वन का इमेज हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. वन का इमेज ए, टू का इमेज बी, थ्री का इमेज बी. मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. मतलब फॉर एवरी, अगर इस सेट को मैं एक्स और इस सेट को मैं वाई कंसीडर करूं तो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, यूनिक वाई इन सेट वाई. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए वाई इन वाई एंड यूनिक. मतलब वाई सेट में उसके लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो यूनिक भी होना चाहिए. यहाँ पे यूनिक का सेंस का मतलब है कि जैसे थ्री का इमेज यहाँ पे बी है, अगर रिलेशन आपके पास इस तरीके से होता, थ्री का सी पर भी जा रहा होता, तो हम कहते हैं कि थ्री की यूनिक इमेज नहीं है, थ्री की दो इमेज है, बी एंड सी. तो अगर आपके पास ये लाइन में मिटा देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अब थ्री का इमेज ओनली बी है, तो थ्री का यूनिक इमेज है, टू का भी यूनिक इमेज है बी, ओनली वन इमेज, वन का भी एक यूनिक इमेज है ए. तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो पहले तो पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और दूसरा हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज ही होना चाहिए. अगर ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वो जो रिलेशन होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है और उस स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं. अब फंक्शन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लिखेंगे. तो ए रिलेशन और ए मैपिंग, हम इसको मैपिंग भी कह सकते हैं. ए मैपिंग एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज सेट टू बी फंक्शन इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक
y belongs to y such that fx equals to y. बेसिकली ये आपके पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. स्टैंडर्ड डेफिनेशन को हम समझने का कोशिश करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से कि वाकई में फंक्शन क्या होता है. हमारे पास फंक्शंस के लिए आपको इस चीज़ को, इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा. आपके पास जो डोमेन होता है हम इसको इनपुट कंसीडर कर लेते हैं, और जो फंक्शन है वो आपके पास प्रोसेस या मशीन है, और ये आपके पास जो कोडोमेन है वो आपके पास कोडोमेन जो है वो आपके पास आउटपुट है. ये आपके पास डोमेन है और ये आपके पास प्रोसेस है जो वो जिसको हम फंक्शन कहते हैं, मतलब डोमेन सॉरी. यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है वो आपके पास इनपुट है, तो इनपुट आपके पास इस फंक्शन के थ्रू गुजरता है, और फंक्शन के थ्रू गुजरने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट देता है. यहाँ पर हम आउटपुट कंसीडर कर सकते हैं एक्स वाई सम जेड सम पी. तो कंडीशन ये कि हर एक एलिमेंट का आउटपुट, जो भी इनपुट हम देते हैं आउटपुट निकलना चाहिए, और आउटपुट यूनिक होना चाहिए. अभी जैसे इस ए को अगर आपने मशीन के अंदर ड्रॉप किया, तो मशीन के अंदर ड्रॉप करने के बाद ये दो जगह दो आउटपुट पॉसिबल नहीं देगा, ये सिर्फ एक ही आउटपुट दे सकता है, दो आउटपुट नहीं हो सकता है. सिमिलरली आपके पास अगर कोई दो इनपुट का आउटपुट सेम हो सकता है, जैसे बी अगर आपके पास आपने प्रोसेस के अंदर डाला, दैट इज फंक्शन के अंदर ड्रॉप किया, तो हो सकता है कि उसका इनपुट भी आपके पास एक्स निकले, तो वो भी यूनिक है, लेकिन एक्स और कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता है, तब तक आपके पास वो फंक्शन बना रहेगा. तो ये फंक्शन के बारे में बेसिक चीज़ है. कुल मिला के हम इनपुट कुछ डालते हैं मशीन के अंदर और कुछ आउटपुट निकलता है, आउटपुट जो निकलता है वो यूनिक होना चाहिए, और आउटपुट निकलना ही चाहिए, और वो आपके पास वाई सेट्स के अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए. तो वो आपके पास एक फंक्शन है. अब फंक्शन के एग्जाम्पल आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, अब हम फंक्शन के टाइप देखेंगे जो कि हमारे पास क्लास 12th के कोर्स में है. तो हमारे पास फंक्शन के टाइप में सबसे पहले फंक्शंस टाइप, पहला जो टाइप है वन वन, फंक्शन के पहले टाइप का नाम है वन वन. तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन, बेसिकली पहले हम समझ लेते क्या है वन वन क्या है. देखिए फंक्शन के बारे में आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीखा है, तो ज़्यादा यहाँ मैं बहुत डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ या बहुत सारे एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ. जैसे ये एक फंक्शन आपके पास है, ऑब्वियसली ये जो डायग्राम बनाया ये आपके पास फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. यहाँ पे देखिए 3 और 4 आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इनका इमेज एक ही एलिमेंट है, और हम चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट का इमेज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो वन वन होगा. तो इस केस के अंदर 3 और 4 आपके पास सेम डिफरेंट डिफरेंट है, बट इस फंक्शन के अंडर उनकी इमेज आपके पास सेम जा रही है, तो फिर आपके पास ये फंक्शन वन वन नहीं है, एफ इज़ नॉट वन वन. अगर आपके पास हर एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट जगह पर जा रहा है, तो आपके पास वन वन वो फंक्शन बन जाता है. ये एग्जांपल देखिए दूसरा, वन टू ए बी सी, ये इसका इमेज यहाँ पे जा रहा है, टू का इमेज सी पे जा रहा है, और ये फंक्शन आपके पास वन वन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट जगह पर जा रहा है, अलग अलग जगह पर जा रहा है, इसलिए ये आपके पास वन वन फंक्शन बनाता है. या हम यूँ कहें कि कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के दो प्रीमेज नहीं होने चाहिए, या तो प्रीमेज होना ही नहीं चाहिए, या फिर एक मैक्सिमम प्री इमेज हो सकता है. जैसे कि ए का मैक्सिमम प्री इमेज वन है और उनकी संख्या सिर्फ एक है, बी का कोई प्रीमेज नहीं, दैट्स ओके, सी का प्रीमेज एक है,
प्री इमेज किसी भी एलिमेंट का दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे। लेट, तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन, मतलब हमने ये मान लिया कि मैपिंग फंक्शन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देन एफ इज सेट टू बी वन वन इफ एंड ओनली इफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू एंड दिस कंडीशन शुड फॉलो फॉर ऑल एलिमेंट इन द डोमेन। व्हाट इज द कंडीशन? अगर आपके पास x1 और x2 इक्वल नहीं है तो फिर उनका इमेज इक्वल नहीं हो सकता है, और दिस शुड बी फॉलोड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दैट इज डोमेन। और इस डेफिनेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जिसका मीनिंग भी आपके पास सेम आएगा। इफ लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन, तो जब भी मैं ये लाइन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ए और बी ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी लिए गए हैं। देन एफ इज सेट टू बी वन वन इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स वन इम्प्लाइज दैट एफ एक्स टू, अगर आपके पास ऐसा है तो ये आपके पास इम्प्लाइज करेंगे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। कोई भी दो एलिमेंट का अगर प्री इमेज आपके पास सेम मिल गया और वो इस चीज़ को इम्प्लाइज कर रहा है कि वो एलिमेंट आपके पास सेम है, तो फिर आपके पास फंक्शन वन वन है। इसका मतलब आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है तो आपको इस डेफिनेशन या इस डेफिनेशन का यूज़ करते हुए उसको प्रूव करना है। देखते हैं, कुछ सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। आप क्लास 11 में बहुत सारे टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, पॉलिनोमियल पढ़े हैं, क्रिएटिव इंटीजर पढ़े हैं, साइन फंक्शन पढ़े हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके पढ़े हैं, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़े। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन को ही देखते हैं कि वो आपके पास वन वन है कि नहीं है। देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता है, और एफ एक्स इक्वल टू उसका डेफिनेशन है एक्स, मतलब मशीन के अंदर जो आप डालेंगे वही आपके पास बाहर निकलेंगे। दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर एंड दिस इज द नोटेशन ऑफ द रियल नंबर। अब ये फंक्शन आपके पास वन वन है कि नहीं है, तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनका इमेज इक्वल नहीं होगा। तो ये आपके पास एक वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। आप इसको पिक्चोरियल टाइप में बना सकते हैं, आप इसका ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप प्रूफ वाली कंडीशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब प्रूफ करूँगा तो प्रूफ किस तरीके से करना पड़ेगा, डेफिनेशन को यूज़ करते हुए किस तरीके से करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास वन वन प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन, क्योंकि हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है, तो आप दो डेफिनेशन में से दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन के अंदर ये है कि आप एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू लेके चलिए, और इसकी हेल्प से आप प्रूव कीजिए कि एफ एक्स वन आपके पास एफ एक्स टू के इक्वल नहीं आ रहा है। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि आप सपोज करके चलिए कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, और फिर इसकी हेल्प से आप प्रूव कीजिए कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ऑब्वियसली होगा। अगर आप ऐसा प्रूव कर लेते हैं, दोनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन की कंडीशन को आप प्रूव कर लेते हैं, तो फिर वो आपके पास वन वन फंक्शन है। यहाँ पे मैं दूसरी डेफिनेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो दूसरी डेफिनेशन में देखो, ये पार्ट आपको सपोज करना है। तो आपने सपोज कर दिया लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर एनी एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंगिंग्स टू सेट ए, दैट इज रियल नंबर। तो आपने ये लेट सपोज कर लिया, और हमें पता है कि एफ एक्स वन का वैल्यू क्या निकलने वाला है, इस फंक्शन के अंडर आएगा एक्स वन, और इस फंक्शन के अंडर भी ये फंक्शन हमारे पास एक्स टू आएगा,
और हमने देखी ये सपोज किया फंक्शन बहुत इजी टाइप का था, तो हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 1-1 का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए f इज आपके पास 1-1 है। अब इसको थोड़ा सा भी ग्राफ से समझा देता हूँ कि ग्राफ किस तरीके से देखते हैं और ग्राफ से क्या वाकई में ये 1-1 लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए fx इक्वल टू x का ग्राफ अपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से देखा है, मतलब fx इक्वल टू x, इसका जब भी आपको ग्राफ बनाना है तो fx को आपको y लेना पड़ेगा, तो y इक्वल टू आपके पास x हो जाएगा। और y इक्वल टू x आपके पास एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है जिसका स्लोप है आपके पास 1, तो ओरिजिन से ये इसका ग्राफ है। अब इस ग्राफ से आप देखिए एक ये एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो इसका प्री इमेज आपके पास यहाँ पे होगा, यहाँ पे दैट इज ये वैल्यू। अगर ये आपके पास पॉइंट है तो उसका प्री इमेज आपके पास ये, मतलब ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन से, ये रियल नंबर है आपके पास एक्स एक्सिस, तो यहाँ से कोई सिर्फ दो एलिमेंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दो एलिमेंट लिए एक्स वन और एक्स टू, अब दोनों अगर इक्वल नहीं है तो दोनों का देखो इमेज भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पहले का इमेज यहाँ पर जाएगा, दूसरे का इमेज आपके पास यहाँ पर जाएगा, दैट इज ये जितनी भी हाइट है वो पहले एलिमेंट की इमेज है और ये जो हाइट है वो आपके पास दूसरे एलिमेंट की इमेज है। तो इसका मतलब अगर आपके पास एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो फिर आपके पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी इम्प्लाइज करता है, और एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू मतलब आप डोमेन में डिफरेंट पॉइंट लेते हैं तो फिर इमेज में भी डिफरेंट पॉइंट आएगा। और एक तरीका और आपके पास है 1-1 ठीक इसी तरीके से चेक करने का, ये आपके पास कोडोमेन वाला लाइन है, रियल नंबर वाला वाई एक्सिस है, ये कोडोमेन वाला लाइन है। इससे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप बनाएंगे, जैसे कि मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, तो ये ग्राफ को अगर एग्जैक्टली वन टाइम कट करता है, एग्जैक्टली वन टाइम कट करता है, तो फिर आपके पास वो फंक्शन 1-1 है। एग्जैक्टली और लेस देन इक्वल टू 1 आपके पास टाइप कट करना चाहिए, तो फिर वो आपके पास 1-1 है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं सर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। नहीं तो हम इसको डेफिनेशन से हमने इसको अच्छे से देख लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 1-1 के लिए इसी तरीके से, ताकि हमारा 1-1 अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज आपके पास एक फंक्शन है रियल नंबर से, रियल नंबर में, और एफ एक्स इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर से डिफाइन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। अब ये फंक्शन आपके पास 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है तो देखो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं प्रूव करना है तो सिर्फ आपको काउंटर एग्जांपल देने का ज़रूरत है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है तो सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा, जनरली इसको प्रूव नहीं करूंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर 1 का इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा, इस फंक्शन के अंदर ड्रॉप किया तो एफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1, एफ माइनस 1 अगर आपने पुट किया तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन डेफिनेशन माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1 था, लेकिन इनका दोनों का इमेज आपके पास इक्वल आ गया, लेकिन फंक्शन की 1-1 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर दो एलिमेंट अगर आपके पास डिफरेंट है तो फिर उनका इमेज आपके पास डिफरेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास इमेज आपके पास सेम आ रहा है, इसलिए ये 1-1 के डेफिनेशन को फेल कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन आपके पास 1-1 नहीं है। आप इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी आपको इजीली पता चल जाएगा। ये इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से पाराबोला होता है जो ऊपर की तरफ ओपन होता है। अब इस पॉइंट की इमेज आपके पास ये होगी और इधर जो इस पॉइंट की इमेज ये आपके पास ये होगी, इसका मतलब इनकी हाइट, ये थोड़ा सा अगर मैं पॉइंट इधर लेता हूँ तो इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर, मतलब इस पॉइंट की इमेज और इस पॉइंट की इमेज आपके पास इक्वल आ रही है, तो इसलिए ये आपके पास 1-1 फंक्शन नहीं हुआ। या फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी करें तो इसके लिए डोमेन से पास होने वाला लाइन बनाया है तो ये कर्व को एग्जैक्टली 2 बार कट कर रहा है, तो 2 बार कट करने की वजह से आपके पास ये फंक्शन 1-1 नहीं बनता है।
तो ये 1-1 का डिफिनेशन है। ये जो मैं कर्व के लिए बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आप उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप वीडियो को देखेंगे तब वहाँ पे उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके पास दे रखा है। तो अभी तक मैं ये आशा करता हूँ कि आपको 1-1 प्रूव करने के लिए देखिए जनरल तरीका यूज़ करना पड़ता है, और 1-1 प्रूव नहीं करने के लिए देखिए यहाँ पे 1-1 प्रूव करने के लिए मैंने x1 और x2 आर्बिट्री लिए थे, वो सेट के कोई से भी एलिमेंट हो सकते थे, लेकिन मैंने इसको इस फंक्शन को 1-1 नहीं प्रूव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लिए थे 1 और -1। इसी चीज़ को आपको देखना है और समझना है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपके पास 1-1 का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एफ फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और एफ एक्स जो डेफिनेशन फंक्शन की है वो आपके पास है 3x+2। इसको मैं दोनों तरीके से प्रूव करके बता रहा हूँ कि इसको 1-1 अगर आपको प्रूव करना है तो आपके पास दोनों तरीके क्या होगी, क्योंकि डेफिनेशन दो, अभी तक मैंने दोनों तरीके आपको बताया नहीं है, तो दोनों तरीके के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपके पास तरीका नंबर फर्स्ट, ये मुझे फंक्शन 1-1 लगता है। तो इसके लिए फर्स्ट तरीका क्या, आपके पास पहला तरीका कि लेट x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड x1, x2 ऑब्वियसली बिलोंगिंग्स टू आपके पास रियल नंबर, पहला वाला सेट यहां से बिलोंग करते हैं, मतलब आपको ये लेके चलना है और आपको प्रूव करना कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2। इसी लाइन का यूज करते हुए, इस लाइन के अलावा, इस इक्वेशन के अलावा आपको कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी है, और इसकी हेल्प से आपको ये दिखाना है। तो x1 नॉट इक्वल टू x2, अब अगर इस इनइक्वलिटी को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, पर x1 x2 इक्वल नहीं है तो उनके 3 टाइम्स वो भी इक्वल नहीं होंगे, और इन दोनों 3 टाइम्स ऑफ x1 और 3 टाइम्स ऑफ x2 में अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ लेता हूँ, 2 ऐड कर लेता हूँ तो भी आपके पास इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, ये fx1 की वैल्यू है ना, fx आपके पास इस तरीके से डिफाइन है, तो यहाँ पे x है तो ये x यहाँ पर आता है, अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x1 निकल के आएगा, तो ये आपके पास fx1 हो गया, और सिमिलरली ये आपके पास fx2 हो गया। तो आपने x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चले थे और उसकी हेल्प से आपने fx1 इक्वल टू fx2 प्रूव कर लिया, इसीलिए आपके पास फंक्शन क्या हो गया, f इज 1-1। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, डेफिनेशन का दूसरा पार्ट अगर हम यूज करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2, और इसकी हेल्प से हमको प्रूव करना है x1 इक्वल टू x2, मतलब ये आपने लेट किया है, दिस पार्ट आपने सपोज किया है, इस पार्ट की हेल्प से आपको इस इक्वेशन की हेल्प से आपको सॉल्व करते हुए ये प्रूव करना है, और अगर आप ये प्रूव कर लेते हैं तो फिर आपके पास फंक्शन 1-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, fx1 मैं सपोज कर दिया, लेट fx1 इक्वल टू fx2, और fx1 की वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास 3x1+2 है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू 3x1+2, fx2 की वैल्यू क्या आएगी 3x2+2, बस आपको इसे इक्वेशन को सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 लेकर आना है। तो देखिए दोनों तरफ 2 है तो 2 आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 3x1 इक्वल टू 3x2। अब इक्वेशन के दोनों साइड से अगर आपने 3 भी हटा लिया तो आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये आपके पास फंक्शन 1-1 हो गया है, क्योंकि ये सपोज करके चले थे और ये आपने प्रूव कर लिया, इसका मतलब आप फंक्शन की टाइप की 1-1 की डेफिनेशन आपने सेटिस्फाई करवा ली है। तो f इज 1-1। अब कई स्टूडेंट गलती ये करते हैं क्योंकि वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वो 1-1 की डेफिनेशन को अपने तरीके से सीख लेते हैं। वो कई बार करते हैं, वो लेट x1 इक्वल टू x2 लेके चलते हैं और इसकी हेल्प से प्रूव कर देते हैं fx1 इक्वल टू fx2।
कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लेके चलते हैं और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू प्रूव कर देते हैं, या फिर वो करते हैं कि एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं और इसके हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है। अभी देखो ये दोनों डेफिनेशन आपको सिमिलर टाइप की लग रही होगी क्योंकि ये फंक्शन की जो वन वन है इसमें और उसमें आपको बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये आपके पास वन वन की डेफिनेशन नहीं है, ये वन वन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो दो तरीके और इन दो तरीकों में बहुत रात दिन का फर्क है। यहाँ पे तो देखिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, अगर आपके पास दो एलिमेंट इक्वल ही है तो उनका इमेज तो यूनिक ही होगा, तो फिर एफ एक्स वन एफ एक्स टू तो दिस इज द ऑब्वियस थिंग। और अगर आपके पास दो एलिमेंट दो 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 प्री इमेज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर ऑब्वियसली वो आपके पास एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू तो फंक्शन की डेफिनेशन से ही आएगा। ये तो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन फंक्शन ही बन रहा है तो इन दोनों चीज को सेटिस्फाई कर लेगा, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर लेगा। मतलब अगर वन वन नहीं है सिर्फ फंक्शन है तो भी वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये आपके पास वन वन के लिए आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि ये वन वन की कंडीशन है। तो आप वन वन के लिए देखिए, आप दोनों में एक बार वापस से आपके पास लिख रहा हूँ, इनमें और इनमें आपके पास रात दिन का फर्क है। वहाँ पर ये आपके पास एग्जैक्ट ये आपको लेके चलना होता है और इसकी हेल्प से आपको एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू प्रूव करना होता है। और दूसरा डेफिनेशन आपके पास एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलना होता है और इसकी हेल्प से आपको प्रूव करना होता है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो दिस ये आपके पास रेड बॉक्स वाला जो दिख रहा है वो आपके पास वन वन का डेफिनेशन है और ऊपर वाला वन वन का डेफिनेशन नहीं है। ये आपके दिमाग में क्लियर कट हो जाना चाहिए। दोनों सिमिलर टाइप के दिखते हैं लेकिन हम बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं कई बार क्वेश्चन सोल्व करने में। तो ऑब्वियसली आपको अब तक वन वन मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास लेके रख दिए हैं, वन वन आपको क्लियर हो गया होगा। अब फंक्शन के दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं और जिसका नाम है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन बहुत इजी है लेकिन प्रूव करना उतना ही टफ। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी और एक्स टू वाई व्हाट एवर यू वांट टू टेक ए टू बी, बी ए फंक्शन, आपके पास फंक्शन है, देन एफ इज सेड टू बी said to be on to if and only if for all y belongings to b there exist x belongings to a such that fx equal to y। अब मैंने इस डेफिनेशन को बहुत ही मैथमेटिकली लिख लिया है तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर हम देखो जब भी डायग्राम अगर बनाएंगे, जब भी आपको फंक्शन के बारे में बात करती है दो सेट आपके पास इस तरीके से दिमाग के अंदर तुरंत आ जाने चाहिए और यहाँ से यहाँ एक मैपिंग चल रही है वो भी दिमाग के अंदर आ जाने चाहिए, ये पिक्चर आपके दिमाग के अंदर तुरंत बन जाने चाहिए। तो अब जब भी हम ऑन टू की बात करें, सपोज यहाँ पे ए बी सी बैठा है, यहाँ पे वन टू थ्री बैठा है, तो ये कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग्स टू बी, ये आपके पास सेट बी है दूसरे नंबर का, ये सेट है ऑल वाई बिलोंगिंग्स टू बी, मतलब जितने सारे भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक एक्स ऐसा होना चाहिए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। मतलब ये बेसिकली ये कह रहा है कि बी सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ पे यूनिक नहीं बोल रहा है, यहाँ पे यूनिक वर्ड नहीं लिखा है कि आप फंक्शन के डेफिनेशन से कन्फ्यूज हो जाए, यूनिक नहीं लिखा है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो B के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, पाँच दस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। और ये आपके पास ऑन टू की डेफिनेशन है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा इस फंक्शन की मैपिंग को इस तरीके से बनाता हूँ कि जैसे कि वन आपके पास जा रहा है ए पर, टू आपके पास जा रहा है बी पर और थ्री आपके पास जा रहा है सी पर। अब यहाँ पर देखिए ए बी और सी तीनों एलिमेंट का प्री इमेज आपके पास है, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, तो प्री इमेज एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का, इसलिए आपके पास ऑन टू फंक्शन है। अगर इसमें से ये फंक्शन
थोड़ा सा चेंज होकर इस तरीके से आ जाता है, ये थ्री आपके पास इस सी पर नहीं जाके थ्री आपके पास चला जाता इस बी पर, तो भी आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन तो होती, लेकिन सी का प्री इमेज नहीं होने की वजह से ये फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं बनता। तो होप आपको यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हुई है। दूसरा हम बेसिकली बात कर सकते हैं कि क्लास 11th में आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये वाला सेट क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन में जिस जिस एलिमेंट का इमेज, जो इमेज सेट से, इमेज से मिलकर जो सेट बना होता है वो रेंज होता है, और रेंज के बाहर जो सेट होता है वो आपके पास कोडोमेन होता है। ये कोडोमेन, रेंज इनसाइड होता है और कोडोमेन इसके बाहर होता है, या बेसिकली हम कहें कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। तो ऑनटू के केस में आपको नोट करना है कि रेंज आपके पास कोडोमेन के इक्वल बन जाता है। अगर कोई फंक्शन ऑनटू है तो उसका रेंज किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के इक्वल हो गया, कोडोमेन के इक्वल हो जाता है। आप डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, फंक्शन इज सेट टू बी ऑनटू इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन, या फिर आप हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आप दिखा दीजिए। तो ये आपके पास ऑनटू का डेफिनेशन हो गया। अब ऑनटू के कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर, हमने अभी बात किया था एफ इक्वल्स टू आर से आर में ये फंक्शन डिफाइन था। अब ये फंक्शन आपके पास ऑनटू बनता है या नहीं बनता है वो हम कैसे चेक करेंगे। हम देखिए इस फंक्शन का सबसे पहले अगर मैंने आर से आर बता दिया तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, डोमेन इसका हो गया रियल नंबर, कोडोमेन इसका हो गया वो भी इसका दूसरा नंबर का सेट होता है वो भी आपके पास रियल नंबर, ये आपके पास कोडोमेन। रेंज क्या हो गया, रेंज आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या निकल के आ सकती है, क्या क्या निकल के आएगी, उन सबका अगर हम कलेक्शन बनाएंगे तो वो आपके पास रेंज होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें पता है कि यहाँ पे एक्स की जगह अगर रियल नंबर वैल्यू सारी पुट कर ली जाए तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब आपके पास जो रेंज आएगा पॉसिबल एक्स स्क्वायर क्या क्या वैल्यू देगा, जीरो से लगा के इनफाइनाइट तक वैल्यू देगा। तो इस फंक्शन का रेंज हो गया जीरो टू इनफाइनाइट, या जिसको हम जनरली आर पॉजिटिव यूनियन जीरो लिखते हैं। मैं जीरो को पॉजिटिव नंबर नहीं मानता हूँ इसलिए मैं इसके साथ यूनियन कर रहा हूँ। तो आपके पास रेंज आपके पास ये आ गया, और यहाँ पर आप नोट करेंगे कि रेंज आपके पास सबसेट होता है कोडोमेन का, कोडोमेन का सबसेट है। और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है तभी वो फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो इन्फिनिटी इज प्रॉपर सबसेट, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स डोमेन, प्रॉपर इसके इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, अबव फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि जब आपके पास कोडोमेन में माइनस वन एक एलिमेंट बैठा है, माइनस वन का कोई प्रीमेज इस फंक्शन के अंडर नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपको पिक्चोरियल फॉर्म में भी दिखाऊं, आपको देखिए फंक्शन जब भी दिखता है फंक्शन को देखने का कोशिश कीजिए, ये देखिए इसी फंक्शन को मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को दिखाने की कोशिश तुम्हें कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा तो हमको देखना पड़ेगा, हमको फील करना पड़ेगा। रियल नंबर मतलब क्या मान सकते हैं हम, आर प्लस पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि आर प्लस पॉजिटिव आर नेगेटिव, भाई आर किससे मिलकर बना होता है, पॉजिटिव नंबर से, जीरो से और नेगेटिव नंबर से। यहाँ पर देखिए आर प्लस, अगर हम फंक्शन के अंडर एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है, जीरो की इमेज जीरो पे जाएगी इस फंक्शन के अंडर, एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया जीरो निकल जाएगा, पॉजिटिव नंबर पुट करो तो पॉजिटिव नंबर पे जा रहा है, नेगेटिव नंबर पुट करो तो भी पॉजिटिव पे जा रहा है। भाई इसके लिए इस फंक्शन में इतना सारा एलिमेंट आपके पास छूट रहा है जिनका प्री इमेज नहीं है, हमें तो एक एलिमेंट चाहिए ऑन टू नहीं होने के लिए जिसका प्री इमेज नहीं हुई, और यहाँ पे तो इनफाइनाइट पूरा आर माइनस आपके पास ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ऐसा पिक्चर आपके दिमाग के अंदर तुरंत बनना चाहिए, अगर ऐसा पिक्चर बनना आपके दिमाग में स्टार्ट हो गया तो फिर आपने फंक्शन की कहानी समझ ली है। और फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ
क्लास ट्वेल्थ के कैलकुलस के 5 चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, पूरा कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे के सारे चैप्टर ये फंक्शन पे डिपेंड है। और जब तक आपको फंक्शन की ऐसी कहानी अगर आपके दिमाग में फील नहीं आएगी तो फिर उन चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना बड़ा मुश्किल है। तो आपको फंक्शन में ऐसा, फंक्शन जब भी सोचना है तो ऐसा दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। तो अभी के लिए ऑन टू फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं क्या इसका डोमेन चेंज करता हूँ तो ऑन टू बन सकता है क्या? अभी के लिए देखो, मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ आर से आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, यहां से लेकर फंक्शन का डेफिनेशन मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब आप देखिए कि ये फंक्शन ऑन टू बनता है कि नहीं बनता है। ऑब्वियसली ये बनता है क्योंकि ये आपके पास रियल नंबर है, अभी आपके पास यहाँ पे r प्लस और जीरो ही है, और इसके अंदर r प्लस बैठा है, इसके अंदर जीरो बैठा है, r माइनस बैठा है, इसका इमेज यहाँ पे जा रहा है, इसका इमेज यहाँ पे जा रहा है, इसका इमेज यहाँ पे जा रहा है। सेट b के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है, दैट्स वाई दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये तो आपको ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको फील करवाया है, अब आपको लिखना कैसे एग्जाम में? सपोज आपके पास सेम क्वेश्चन आ गया, आप कैसे लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल टू, दोनों के लिए मैं लिख के बता देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास है, और पहले केस में आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और आपको एग्जाम में लिखना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो आप ऐसे पहले दिमाग के अंदर सोचेंगे, पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए जब भी आप प्रूफ लिख रहे हैं कि वो ऑन टू है या नहीं है। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रूव दैट द फंक्शन इज ऑन टू, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ऑन टू। क्वेश्चन में आएगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, तब आपको सोचना पड़ेगा। और जब सोचना पड़ेगा तो आपके दिमाग के अंदर आप क्या आंसर लिखने वाले हैं, ऑन टू लिखने वाले हैं या नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी हमने इस फंक्शन को देखा कि ये ऑन टू नहीं है, तब ऑन टू नहीं है के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, और ऑन टू नहीं है के लिए सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देने का जरूरत है। तो आप क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट माइनस वन इन आर, और आर के ब्रैकेट में लिख दीजिए कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के अंदर माइनस वन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, माइनस वन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बट देयर एग्जिस्ट माइनस वन बिलोंगिंग टू आर सच दैट There exists no x in R, R मतलब पहला डोमेन में, डोमेन में आपको ऐसा x मिलता ही नहीं है माइनस वन के लिए, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, ऐसा x आपके पास मिलता ही नहीं है कि वो माइनस वन पर चला जाए। तो आपको डिसप्रूव करने के लिए आपको माइनस वन दे सकते हैं, आप माइनस टू दे सकते हैं, आप माइनस का कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो ये आपके पास ऑन टू प्रूफ हो गया, ऑन टू प्रूफ, ऑन टू नहीं प्रूफ हो गया, ऑन टू डिसप्रूव हो गया। और अगर हम दूसरा केस कंसीडर करें इसी वाला, इसी फंक्शन में जब हम डोमेन चेंज करके बात कर रहे थे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ इज डिफाइंड फ्रॉम द आर टू आर प्लस यूनियन जीरो, एनसीईआरटी में इसी को R प्लस माना गया है। आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर ले, इसी को R प्लस कंसीडर किया गया है, लेकिन R प्लस जो होता है वो जनरली हायर एजुकेशन में सब जगह जीरो टू इन्फिनिटी ये होता है। तो जीरो इंक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पे जीरो सिंगलटन सेट यहाँ पे रख दिया, आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। अगर R प्लस आपको ऑलरेडी दे रखा है कि जीरो से इन्फिनिटी है और इंक्लूडिंग जीरो है, तो आपको वो सपोज करके चलना है। अब अभी अभी हमने देखा कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए अब आपको इसको पर्टिकुलर एग्जांपल से नहीं कर सकते, आपको जनरल एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा। और जनरल एग्जांपल लेकर कैसे चलेंगे कि लेट फॉर वाई बिलोंगिंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स इन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब कोडोमेन में आपने एक पॉइंट लिया वाई और आपने कहा है कि वहाँ पे ऐसा एक्स मिलता है ताकि एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब कोडोमेन जब भी आपको ऑन टू प्रूव करना था एफ एक्स इक्वल टू वाई लेना पड़ेगा,
अब एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकालिए, तो अंडर रूट लिया तो एक्स इक्वल टू वाई। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये आपके पास एक्स और ये आपके पास अंडर रूट वाई। स्क्वायर रूट लेने से आपके पास आगे प्लस माइनस नहीं आता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें। स्क्वायर रूट लेने से आपके पास प्लस माइनस नहीं लगेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट वाई। तो बेसिकली ये कह रहा है कि फोर फॉर एवरी वाई, इसका मतलब हुआ फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है, अंडर रूट वाई, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। बस ये लाइन आपको यहां से पता करना है, और एक्स की क्या वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपको लिखनी है, और ये लाइन आपके पास लिखनी है, तो आपके पास वो उसका प्रूव हो गया। तो बेसिकली ऑन टू प्रूव करना थोड़ा सा टफ है, ऑन टू डिसप्रूव करने से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका काम डन हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई आता है कि नहीं आता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट वाई, और अंडर रूट वाई की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर रखी फंक्शन के अंदर, तो ऑब्वियसली आपके पास वाई निकल के आ रहा है। मतलब ऐसा एक्स है उसका वैल्यू कितना है, अंडर रूट वाई, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास ऑन टू हो गया है। तो ये ऑन टू हो गया, ऑन टू आपके पास इस तरीके से प्रूव करना। अब एक एक जनरल सा एग्जांपल जो एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कि जिसको भी अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो वो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको एक मिनट का वेट करना पड़ेगा। मैं अभी निकालता हूँ एनसीईआरटी की बुक और वहाँ से लेता हूँ स्क्रीन क्लिपिंग। ओके, दिस इज द बुक। ओके, ये आपके पास आ गए हैं चारों फंक्शन, जहां से आपको वन 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 टू एकदम दिमाग पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपको यहां से एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर सबको देखना है कि कौन आपके पास वन 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 टू बनता है या नहीं बनता है। आप देखिए एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर सब फंक्शन तो है, ऑलरेडी फंक्शन के डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको सिर्फ देखना है कि वन 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 टू है कि नहीं है। तो हम एफ वन से स्टार्ट करते हैं। बताइए एफ वन क्या है, किसी एलिमेंट का दो प्री इमेज नहीं होना चाहिए। एफ वन के लिए, वन वन के लिए क्या चेक करना, ए का प्री इमेज कितना वन, फाइन। बी का प्री इमेज कितना, वो भी वन, मतलब टू है लेकिन नंबर ऑफ प्री इमेज कितना, ओनली वन। सी का प्री इमेज कितना, ओनली वन। डी का प्री इमेज कितना, ओनली वन। ई का प्री इमेज कितना, जीरो। एफ का प्री इमेज कितना, जीरो। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का वन से ज्यादा प्री इमेज नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब एफ वन इज वन वन। एंड ऑन टू के बारे में सोचिए, ऑन टू का मतलब है सेकंड वाले सेट का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन ई और डी आपके पास ऐसे है जिनका प्री इमेज आपके पास नहीं है, तो एफ वन इज नॉट ऑन टू। वन वन तो निकल गया लेकिन ऑन टू नहीं है। दूसरा वाला चेक कीजिए, वन वन चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए का प्री इमेज कितना, नंबर ऑफ प्री इमेज जीरो। बी के नंबर ऑफ प्री इमेज कितना, टू। यहाँ पे बी की नंबर ऑफ प्री इमेज आपके पास टू आ रहा है, और जब किसी भी एलिमेंट के प्री इमेज का नंबर आपके पास वन से ज़्यादा अगर आ गया है, तो फिर वो वन वन फंक्शन हो ही नहीं सकता है। तो आपके पास एफ टू इज नॉट वन वन, और ऑन टू, ऑन टू भी नहीं है भाई, दो एलिमेंट छूट गए जिनका प्री इमेज नहीं है, एंड नॉट ऑन टू। एफ थ्री देखिए, तो आपने वन वन के लिए चेक किया एफ थ्री को, तो पहले वाले एलिमेंट का प्री इमेज दो प्री इमेज है, एक के दो प्री इमेज है,
और दो प्रीमेज होने की वजह से ये आपके पास 1-1 नहीं बनता है, F3 इज नॉट 1-1। ऑन टू देखिए हर एक एलिमेंट का प्रीमेज है, इसलिए ये आपके पास ऑन टू तो हो गया, हर एक एलिमेंट का प्रीमेज है। F4 को देखिए आप, A का प्रीमेज 1, B का प्रीमेज 1, C का प्रीमेज 1, नंबर ऑफ प्रीमेज बोल रहा हूँ, D का भी नंबर ऑफ प्रीमेज आपके पास 1 है और सारे के सारे एलिमेंट के प्रीमेज है, तो इसलिए ये 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है। F4 इज 1-1 एंड ऑन टू, एंड यहाँ से अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू बन जाता है तो वो हमारे पास एक फंक्शन का एक टाइप बन जाता है, और वो टाइप क्या है जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव का मैं डेफिनेशन लिखूंगा, तो लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन सच दैट एफ इज 1-1, एफ इज ऑन टू, एफ 1-1 भी है ऑन टू भी है, तो फिर वो आपके पास क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और यहाँ पे मैं नाम बताता हूँ कि 1-1 का नाम आपके पास इंजेक्टिव भी होता है जो कि मैंने स्टार्ट में नहीं बताया, और ऑन टू का दूसरा नाम आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन भी होता है। और कोई फंक्शन 1-1 और दैट इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों बनता है तो फिर वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो आज इस वीडियो में हमने फंक्शंस से रिलेटेड चीज़ें क्लियर की है कि फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को प्रूफ 1-1 कैसे करना है, डिसप्रूव कैसे करना है, ऑन टू कैसे प्रूव करना है और डिसप्रूव कैसे करना है। इन सब के लिए अभी वीडियो जब आपके पास आप लाइव देख रहे हैं और इसके बाद ये यूट्यूब पर आप कभी भी इसको देख सकते हैं, तो जब भी आपको क्लियर नहीं होता तो ये वीडियो देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, पिक्चर दिमाग के अंदर बनाइए। और 1-1 ऑन टू के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट है जो जनरली IIT के स्टूडेंट या और भी कोई हायर कॉम्पिटिशन के लिए उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि NCERT में नहीं है, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च करेंगे चैनल पर तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में स्टूडेंट्स इतना ही, अगर आपका कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में आपको उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे हम। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।